क्या पुरानी मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सालों दर सालों से चली आ रही हैं। अंधविश्वास की वजह से आपको उन मान्यताओं को मानना अब मजबूरी हो गया है। अरे बाबा तो मत मानिए ना वो बातें जो आपको सिर्फ मजबूरी में करनी पड़ रही हो, क्योंकि बेमतलब की चीजों को मानने का कोई फायदा नहीं है बॉस। रुकिए रुकिए, पूरी बात सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीजें सही हैं, बस पीछे का लॉजिक आपको बेकार या फिर कहें इलॉजिकल दिया जा रहा है। सोच में पड़ गए कि हम किस बेकार के लॉजिक की बात कर रहे हैं? बताएंगे, रुकिए जरा। रुको जरा, सबर करो। पहले आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपने जो अपने घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाई हुई है, उससे आपके घर के अंदर रहने वाली बुरी शक्तियाँ चली गयी? और उसका क्या जो आपने ऑफलाइन जाके अपने अब तक एग्जाम दिए? सुना होगा ना, दही चीनी खाने से आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे, हाईएस्ट आए क्या? ओहो, क्यों ऐसे सवाल आपके दिमाग में नहीं आते? आज आर इंफोटेनमेंट में आपको हम ये सब चीजें बताएंगे। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए इन चीजों को करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना तो उनके साथ बहुत बुरा होगा, या फिर उन मान्यताओं को मानने से उनकी तरक्की जल्दी हो जाएगी। मतलब ये कि आज हम इस वीडियो में उन मान्यताओं की बात करेंगे जिससे हम डरते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने उन मान्यताओं को हमसे करवाने के लिए हमारे डर का सहारा लिया, या फिर कहें हमारी कमजोरी का, क्योंकि डर ही तो है ना कमजोरी की निशानी। हमारे हिंदू रीति रिवाजों के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गलत लॉजिक के साथ भ्रम पैदा करवाती हैं, लेकिन उनके पीछे के करने का कारण जो है ना, असल में वो गलत बताया जाता है, या फिर कहे डरावना बता के हमसे वो जबरदस्ती करवाया जाता है। घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटका दो ताकि घर और दुकान को बुरी नजर से बचाया जा सके। अरे भाई ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा है तो रात को शमशान घाट चले जाओ या फिर किसी सुनसान जगह पर अपने साथ बहुत सारी नींबू मिर्ची लेके जाना ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको डरा ना पाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब करना गलत है, बस ये कह रही हूँ कि ये सब करने के पीछे जो लॉजिक है वो आपको असल में नहीं बताया जाता, और उनको पीछे करने का जो लॉजिक बताया जाता है वो हमें भ्रम में डालता है। असल में घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि नींबू मिर्ची में सिट्रिक एसिड होता है जिससे जहरीले कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। पहले के वक्त में जब लोगों के पास जर्म किलर्स जैसे स्प्रे नहीं होते थे, उस वक्त घर के अंदर कीड़े मकोड़े या फिर मच्छरों को घर से अंदर जाने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटका दिया जाता था ताकि जहरीले कीड़े को घर के अंदर जाने से रोका जा सके। पहले के लोग ज्यादातर पैदल ही ट्रेवल किया करते थे, ऐसे में चांसेस होते थे कि जंगल झाड़ी में अगर कोई सांप उनको काट लेगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जहर की वजह से ह्यूमन सेंसेस बंद हो जाएंगे, तो लोग उसका पता लगाने के लिए मिर्ची खाते थे और जान लेते थे कि सांप का जहर कितना खतरनाक है। अगर मिर्ची खाने के बाद बॉस कान से धुआं निकल गया ना तो उनको पता लग जाता था कि जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है, और अगर नहीं तो बस भाई फिर क्या, फिर तो राम भरोसे है ना सब। अगर आप सोचेंगे कि नींबू का क्या काम है, जब लोग गर्मी धूप में ट्रेवल करते थे ना तो पानी में नींबू डाल के पीते थे, इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो अब समझ में आया इस नींबू मिर्ची का खेल? नदी या तालाब में सिक्के फेंको और ऊपर वाला आपकी सारी ख्वाहिशें पूरा कर देगा। वाह भाई वाह, ये भी कमाल का लॉजिक है। अरे भाई जब काम सही है तो लॉजिक भी सही बताने चाहिए। इस भ्रम के मुताबिक तो इंसान को काम करने की जरूरत ही नहीं, जाओ नदी में सिक्का फेंको और बस जिन निकल आएगा और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बेचारे ऑफिस में 8-8 घंटे काम करने वाले लोग बेवकूफ हैं। बेचारे वो मजदूर जो गर्मी में अपना पसीना बहा के काम कर रहे हैं वो भी बेवकूफ हैं। अरे ये हम नहीं, उस लॉजिक के मुताबिक हम बता रहे हैं, मगर आप तो आर इंफोटेनमेंट के स्मार्ट दर्शक हैं, और इसीलिए जो अब हम लॉजिक बताने जा रहे हैं उससे आप पूरी तरह से यानी 100% सहमत होंगे। दरअसल पहले के जमाने में सिक्के तांबे यानी कॉपर के होते थे और पानी के एक ही दो रिसोर्सेज होते थे, जैसे कि नदी या फिर तालाब। ऐसे में हमारे पूर्वजों को ये साइंस अच्छे से पता थी कि इंसानी शरीर को तांबे की जरूरत होती है। अब भाई तांबा खाया तो नहीं जा सकता और किसी फल में भी इसकी प्रॉपर्टीज मिलती नहीं है, तो अगर ऐसे में नदी या फिर पानी के रिसोर्सेज में तांबे के सिक्के डाल दिए जाएं तो उसकी क्वालिटी अपने आप पानी में आ जाएगी।
जिसे पीने के बाद हमारी बॉडी में उसकी क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। अब तो टीवी पर आने वाले आरओ के एड में भी तांबे का इस्तेमाल दिखाया जा रहा है। नया प्योरिट कॉपर आरओ, यहाँ परंपरा और टेक्नोलॉजी मिलकर दे 100% आरओ प्योरिफाइड पानी। अभी भी आपको समझ जाना चाहिए, हमारी हिंदू रीति रिवाज और परंपरा इतनी मजबूत है कि इन्हीं का सहारा लेकर आजकल की ये जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं अपनी जेबें भर रही हैं। जिसकी एडवांस्ड मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी पानी के नेचुरल मिनरल्स बचाए, पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। लेकिन हाँ, अब हमें यकीन है कि अब आप जान चुके होंगे हमारी इस वीडियो के जरिए। क्यों, सही कहा ना? मंगलवार और गुरुवार को महिलाओं के बाल धोने पर यह कह के गुस्सा किया जाता था कि ऐसा करने से मंगल और गुरु खराब हो जाएंगे और इससे जीवन पर उनके बुरा असर पड़ेगा। और अगर आप भी उन्हीं में से एक है ना, तो आपके लिए फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हफ्ते में दो बार बाल ना धोने के पीछे का असली लॉजिक है कि पुराने टाइम में बाल धोने के लिए ज्यादा पानी खर्च होता था। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई महिलाओं को बाल धोने में ज्यादा पानी लगता है, और पुराने जमाने में पानी लेना बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि तब स्विच चला के पानी को निकालने का साधन नहीं था ना। आज के जमाने में ये पॉसिबल है, लेकिन पहले पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और बहुत सारी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता था। तो ऐसे में लोगों ने खुद मान लिया कि कोई भी हफ्ते के दो दिन बता दो जिससे महिलाएं डर जाएंगी और वो अपने बाल नहीं धोएगी। बस यही एक छोटी सी बात थी, लेकिन आप भी अगर ऐसा करते हैं ना तो अब से मत कीजिएगा, क्योंकि भाई आपके घर तो मोटर है ना, क्या करना है, स्विच दबाइए, निकालिए पानी और धो लीजिए। हम सभी जाते हैं मंदिर और जाते ही सबसे पहला क्या काम करते हैं, घंटी बजाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मंदिर की घंटी बजाते ही भगवान का सारा ध्यान सब काम छोड़कर हम पे आ जाएगा। अरे भाई, जो ईश्वर दिखता नहीं है उसके बावजूद भी वो आप पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखता है, तो क्या वो सिर्फ घंटी बजाने से आपकी और हमारी प्रार्थना सुनेगा? जी नहीं, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। दरअसल मंदिर की घंटी बजाने से जो वाइब्रेशन होती है उसका असर हमारे शरीर पर होता है, साथ ही हमें ध्यान लगाने में मदद भी मिलती है और पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती हैं। साथ ही घंटी बजाने की धुन से मन को भी शांति मिलती है और इसीलिए बजाते हैं हम मंदिर में घंटी। शमशान से लौटे हो, ओहो हो, ये चीजें मत छुओ, कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, सीधे बाथरूम में जाओ और नहा कर आओ, यही होता है ना? जी हाँ, आप में से बहुत लोगों के साथ यही हुआ होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो इंसान शमशान जाता है उसके पीछे बुरी शक्तियां पड़ जाती हैं, या फिर खुल के कहें तो भूत और प्रेत जैसी चीजें लग जाती हैं। और इसी डर से कहा जाता है कि भाई जाओ जल्दी से और नहा कराओ। अगर आप भी ये मानते हैं तो जरा इस लॉजिक पर भी गौर फरमाइएगा। पहले के जमाने में बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स या टीबी का इलाज नहीं होता था, तो ऐसे में अगर मरने वाले के अंदर इस तरह की कोई बीमारी है तो इस बॉडी को जलाते वक्त जर्म्स और बैक्टीरिया हर कहीं फैल जाएंगे और वहां मौजूद लोगों को इन्फेक्टेड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते थे। और ऐसे में घर वापस आकर नहाने की बात कही जाती थी, क्योंकि नहाने से तमाम वो जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाएंगे और बस हम स्वस्थ और सही रहेंगे। तो अब समझे नहाने के पीछे का सही लॉजिक? समझ गए तो भाई दूसरों को भी बता दीजिएगा कि आरआर इंफोटेनमेंट की ये वाली वीडियो वो जरूर देखे, ताकि उसकी भी नॉलेज बढ़ जाए। वैसे तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत से फैक्ट, लेकिन उन सभी फैक्ट्स को एक ही वीडियो में बता पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। नहीं तो आप ही कहेंगे कि भाई कितनी लंबी वीडियो बना दी, किसके पास टाइम है इतना लंबा वीडियो देखने का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम वाकई में उन फैक्ट्स को आप तक लेकर आएं और आपको उनके पीछे का असल लॉजिक बताएं, तो इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम, यानी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और रखिए अपना ख्याल, और लेकर आएंगे हम नई वीडियो, इसका कीजिए इंतजार। तब तक के लिए बाय-बाय।